बाद टू स्ट्रोक इंजन के बारे में पढ़ेंगे। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, स्ट्रोक क्या होता है कि जब आपका पिस्टन टीडीसी पर होता है और टीडीसी से वीडीसी की तरफ जाता है, कहने का अर्थ यह है कि पिस्टन का टॉप डेड सेंटर टीडीसी होता है, ये अभी जो है वो कहाँ टॉप डेड सेंटर, मतलब कि इससे ऊपर पिस्टन आपका और नहीं जा सकता है, उसको टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। और ये क्रैंकशाफ्ट के साथ में जुड़ा हुआ, तो क्रैंकशाफ्ट के घूमने पर यह इस स्थिति तक आ जाता है। कहने का मतलब ये देखो, यहाँ पर पिस्टन नीचे है, यहाँ पर इनलेट पोर्ट खुल रहा है, यहाँ पे इनलेट पोर्ट एग्जॉस्ट पोर्ट बन गया, ट्रांसफर पोर्ट भी बन गया, मतलब कि ये भी जो पिस्टन है आपका वो कहाँ पे है, वीडीसी पर, बॉटम डेड सेंटर जिसको बोलते हैं। इन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं स्ट्रोक। क्या होता है कि जब आपका पिस्टन टीडीसी से वीडीसी की दूरी तय करता है, उसके मध्य की दूरी को, उसी को स्ट्रोक बोलते हैं। तो स्ट्रोक में क्या होता है, टू स्ट्रोक का मतलब यह है कि पिस्टन एक बार आपका टीडीसी से वीडीसी पर आएगा, वीडीसी से टीडीसी पर आएगा और आपकी एक साइकिल पूरी हो जाएगी, मतलब कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये चारों ही प्रक्रिया टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के एक रिवोल्यूशन पर, ये क्रैंकशाफ्ट आपकी ये एक बार ऊपर से नीचे आएगा, मतलब हाफ गई 180 डिग्री, वापस जब ये ऊपर जाएगी तब 180 डिग्री और हो जाएगी, मतलब एक स्ट्रोक के अंदर 180 डिग्री घूम रही है, तो दो स्ट्रोक पर कितनी घूम रही है, 360 डिग्री क्रैंकशाफ्ट घूम रही है, मतलब 360 डिग्री क्रैंकशाफ्ट के घूमने पर आपके दोनों स्ट्रोक पूरे होते हैं। टू स्ट्रोक साइकिल इंजन का अर्थ होता है कि एक बार फ्यूल बर्न करने के लिए इसके अंदर टू स्ट्रोक में चारों साइकिलें पूरी हो जाती हैं, फ्यूल को अंदर लेना, उसको दबाना, कंप्रेस करना, जलाना, पावर लेना और वापस बाहर निकालना। आज अपन इसी टू स्ट्रोक को समझेंगे। समझने से पहले इसके छोटे छोटे रूपों को देख लेते हैं, क्या क्या है, इसके पावर के नाम क्या है। ये आपका पूरा पूरा इंजन, इसके अंदर हेड आपको बहुत छोटा दिख रहा है, हेड छोटा इसलिए दिख रहा है कि इसके अंदर अंदर जाने के लिए गैस और पेट्रोल को और बाहर आने के लिए अलग से कोई व्यवस्था करने की जरूरत ना है। इसके अंदर इसका जो ब्लॉक है आपका, ये हेड है और इसके अंदर जो ये ब्लॉक दिख रहा है, इस ब्लॉक के अंदर इस छेद बना रखे हैं जिसको पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। उन पोर्टों की वजह से अनबर्न मिक्सर और बर्न हुआ मिक्सर, मतलब कि पेट्रोल और हवा का जो मिक्सर है वो बाहर भी जाता है और अंदर भी जाता है। ये जो फिन्स दे रखी है वो क्या दे रखी है, इंजन को ठंडा करने के लिए दे रखी है, एयरकूल्ड इंजन बना रखा है। अब इसके अंदर वाल हेड का कोई मैटर है ही नहीं, हेड बिल्कुल सपाट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह पर आप कोई और चीज भी रख के अगर इंजन को चलाना चाहते हो, एयर टाइट कर दो, सील्ड कर दो, स्पार्क प्लग लगा दो, चल जाएगा, क्योंकि हेड के अंदर कोई फंक्शन नहीं है, ओनली वन एक ही क्या लगाओ आपका, स्पार्क प्लग। अब अपन बात करते हैं वन साइकिल की, वन स्ट्रोक की। दो स्ट्रोक जो है, दो स्ट्रोक में आपका चारों साइकिलें पूरी होती है, एक स्ट्रोक की बात करते हैं। तो जब आपका पिस्टन यहाँ पे टीडीसी पर है, टीडीसी से वीडीसी की तरफ जाएगा, तब क्या होगा, इसको समझने के लिए, टीडीसी से वीडीसी की तरफ जाएगा इसका मतलब ये हो रहा है कि पावर बढ़ गया है और उसको एग्जॉस्ट कर रहा है। तो आप लोगों को सक्शन वाला समझना है कि अच्छे तरीके से वो किस तरीके से अंदर जा रहा है और कैसे बढ़ रहा है। तो अपन इस चित्र के ऊपर आ जाते हैं। इस चित्र के अंदर क्या दिख रहा है आपको, ये भी इनलेट दिख रहा है, ये भी इनलेट दिख रहा है, इसमें भी इनलेट दे रहा है, मतलब जब आपका पिस्टन कहाँ है, ऊपर है, मतलब कि कंप्रेशन हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा होता है, उस कंडीशन में पिस्टन एग्जॉस्ट पोर्ट और इनलेट पोर्ट से ऊपर होता है, टीडीसी की तरफ होता है। जैसे टीडीसी की तरफ जाता है तो आपका इनलेट पोर्ट जो है वो क्या होता है, खुल जाता है। खुलता किससे, पिस्टन की वजह से खुलता है। पिस्टन जैसे ऊपर जाएगा ऑटोमेटिक आपका इनलेट पोर्ट खुल जाएगा। इनलेट पोर्ट खुला तो इसके आगे आपका क्या है, कार्बोरेटर लगा हुआ है। उस कार्बोरेटर से होमोजेनियस जो मिक्सर होता है पेट्रोल और हवा का, वो मिक्सर तैयार होकर कहाँ आएगा, अंदर आएगा। जैसे ही अंदर आया, ये क्रैंक केस आपकी, इस क्रैंक केस के अंदर जैसे अंदर आएगी आराम से घूम रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्रीली, कोई रोकने वाला नहीं है इसको। ऊपर जैसे ही कंप्रेसर स्ट्रोक हुआ, ऊपर गया,
मतलब कि पिस्टन नीचे से कहाँ गया ऊपर गया, कितने क्रियाएं साथ में होगी, दो क्रियाएं साथ में होगी, एक तो सक्शन वाली भी होगी और दूसरी कंप्रेशन वाली भी होगी। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं, सक्शन और कंप्रेशन दोनों साथ में होगी, मतलब कि एक स्ट्रोक में दो क्रियाएं साथ में हो रही है। कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया और नीचे क्या हो गया, सक्शन स्ट्रोक भी हो गया। क्रैंकशाफ्ट के आधे राउंड मतलब कि 180 डिग्री पर ये दोनों हो गए। जैसे ही पिस्टन ऊपर गया, जैसे ही पिस्टन क्या हुआ ऊपर गया, ऊपर जाते ही आपको से चिंगारी मिली और पिस्टन को क्या लगा, धक्का लगा, पावर स्ट्रोक हुआ। पावर स्ट्रोक से जैसे ही पिस्टन नीचे आया तो क्या हुआ, यहाँ जो हवा दबी हुई थी उस हवा से क्या होगा, ये आपका ट्रांसफर पोर्ट खुल गया। ट्रांसफर पोर्ट ये खुलते ही इसकी आकृति होती डॉम जैसी, यूँ आकृति होती है जो इस चित्र में बना रहती है, ये यहाँ से घुसेगा। सेम कंडीशन में आपका एग्जॉस्ट पोर्ट भी खुल जाएगा और आपका ट्रांसफर पोर्ट भी खुल जाएगा। एग्जॉस्ट पोर्ट थोड़ा सा पहले खुलता है, ट्रांसफर पोर्ट थोड़ा सा बाद में खुलता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे आपका एग्जॉस्ट पोर्ट खुला तो पावर मिलती है, एग्जॉस्ट पोर्ट खुला जैसे बाहर निकली और ट्रांसफर पोर्ट से जैसे कहाँ गई, अंदर गई, मतलब कि एक ही कंबशन चैम्बर है आपका, एक ही कंबशन चैम्बर में दो क्रियाएं साथ में हो रही है। उस कंबशन चैम्बर के अंदर गैसें अंदर जा भी रही है और गैसें वहां से क्या हो रही है, बाहर भी निकल रही है। गैसों का अंदर जाना और गैसों का बाहर निकलना, एक साथ में कितनी क्रिया हो रही है, दो क्रिया हो रही है। कंप्रेशन हो गया, सक्शन हो गया, उसके बाद में कौन सा हो गया, पावर। पावर मिला आपको तो पावर स्ट्रोक भी हो गया और उसके बाद में कौन सा हो गया, एग्जॉस्ट भी हो गया। जैसे ही यहाँ से एग्जॉस्ट हुआ है, दिख रहा है आपको एग्जॉस्ट इधर से हो रहा है और यहाँ से सेम जो खुला हुआ भी है, ट्रांसफर पोर्ट से जो यहाँ पे गैसें थी बीच में ऊपर से नीचे आया, नीचे आया तो ये गैसें कहाँ जाए, इधर से ऊपर कितने काले ऊपर ही जाएगी, जाएगी ना ऊपर, जैसे ही ऊपर गई वापस होगा वो सिस्टम। पिस्टन पहले नीचे से ऊपर गया था और ऊपर से नीचे आया, चल भी गया और बाहर भी निकल गया, मतलब कि आपकी एक साइकिल पूर्ण हो गई। एक साइकिल का अर्थ होता है उसके अंदर जो फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, सॉरी पेट्रोल और जो एयर का जो होमोजीनियस मिक्सर है, वो होमोजीनियस मिक्सर कंबशन चैम्बर के अंदर गया, कंप्रेशन चैम्बर के अंदर जाने के बाद कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने के बाद में जला और जलने के बाद बर्न होकर के बाहर निकल गया और आपको क्या दे दिया, पावर दे दिया। इसीलिए इस इंजन का नाम क्या रखा, टू स्ट्रोक इंजन, मतलब कि दो स्ट्रोकों के अंदर ये पूरी साइकिल को पूर्ण कर देता है। यह इंजन पावरफुल होता है लेकिन इसके अंदर फ्यूल वेस्टेज ज्यादा जाता है।